कार रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं पालक पनीर की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन बनता बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। 500 ग्राम मैंने पालक लिया है। पालक पनीर की इस रेसिपी में हम पालक के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने पालक की जो टंटी है उसे तोड़ के हटा दिया है और पालक को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, जिसे मैंने लंबे आकार में काट लिया है। 12 से 15 लहसुन की कलियाँ लिया है मैंने। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने, टमाटर को भी मैंने रफली काट लिया है। और 4 हरी मिर्ची लिया है मैंने। 2 चम्मच फ्रेश क्रीम लिया है मैंने। फ्रेश क्रीम की जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूध के ऊपर जो मलाई होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। 1/2 चम्मच जीरा लिया है मैंने। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। 1 चम्मच नमक लिया है मैंने। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है मैंने। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने। तो आइए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक को हम बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म कर लिया है। ये देखिए, हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें पालक डाल देंगे और डाल के हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें पालक को ज़्यादा नहीं उबालना है, हमें इसे बस हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट ही उबालना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा पालक उबल चुका है। ये देखिए, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक छलनी के ऊपर निकाल लेंगे, ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। ये देखिए, मैंने इसे एक छलनी में निकाल लिया है। हमारे पालक का कलर चेंज ना हो, इसके लिए हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो इसे ठंडा करने के लिए अब हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए, हमारा पालक ठंडा हो चुका है और इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकल चुका है। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे एक मिक्सी जार में डाल लिया है। हम इसे बाद में ग्राइंड करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड की जगह आप कोई भी फूड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मली आप अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, साथ ही साथ कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को बिना काटे ना डालें, हरी मिर्ची को मैंने बीच से कट करके डाला है। यहीं पे हम अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। साथ ही साथ कटा हुआ प्याज डाल देंगे और डाल के इन सभी चीजों को मीडियम आंच पे हल्का सा भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि हमारी प्याज हल्की सी नरम ना हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए। ये देखिए, हमारी प्याज हल्की सी नरम हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी टमाटर अच्छे से नरम ना हो जाए। हमारा टमाटर जल्दी पक जाए, इसलिए हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं, मैंने इसे बिना ढक के पकाया है। हमें इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे बस हल्का सा नरम करना है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है और सभी चीजें अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी जार में निकाल लेंगे। इस मिश्रण को हम पालक के साथ ही पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी चीजों को जार में निकाल लिया है। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। गरम में आप इस मिश्रण को ना पीसें, नहीं तो आपका जो मिक्सी जार है वो खराब हो जाएगा।
ये देखिए मैंने पेस्ट को तैयार कर लिया है और इस पेस्ट को तैयार करने में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा मिश्रण बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। ये देखिए हमारा पालक जो है वो इस प्रकार से स्मूथ होना चाहिए और आप इसमें एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। अब हम दोबारा से उसी पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैंने दोबारा से उसी पैन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी और बर्तन में भी इसे बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सूखे मसाले डालने हैं। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अगर आप इस रेसिपी को तीखा बनाना चाहते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए बिल्कुल धीमी ही आंच पे इसे 30 सेकंड तक भून लेंगे। ये देखिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे। जार में जो थोड़ा सा मिश्रण रह गया है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के उसे निकाल लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मसाले के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई पनीर डाल देंगे और डाल के इसे भी पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को आप अपने मन चाहे शेप में काट सकते हैं, मैंने यहाँ इसे चौकोर पीसेस में काट के डाला है और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से ढक के इसे 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी ही आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और सभी चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो दूध के ऊपर की मलाई को भी मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हैं और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेश क्रीम से हमारे जो पालक पनीर का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम इसे ढक के 1 मिनट और पका लेंगे ताकि सारी चीज़ें पालक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमारा पालक पनीर जो है वो बन के तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर की गार्निशिंग कर लेंगे जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ये देखिए मैंने इस प्रकार से चारों तरफ थोड़ा सा पनीर कद्दूकस कर लिया है। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया हो तो आप इस प्रकार से इसे डेकोरेट करके सर्व करें। तो हमारा स्वादिष्ट पालक पनीर बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा लजीज दिख रहा है। तो इस पालक पनीर की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसे बहुत ही आसानी से देख सकें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।